ओपी शर्मा रुका नहीं, थका नहीं, लोगों ने मना किया और मेरे पापा उल्टे दिमाग के आदमी, जब जब लोग मना करते थे उनके एनर्जी का लेवल और बढ़ जाता था, मजा आ गया इसने मना कर दिया, अगले बंदे रिश्तेदार पता क्या बोलते थे, अगर आरसीएम करो तो हमारे घर मत आना, हमारे फंक्शन में मत आना, और हमारे फंक्शन में आओ तो आरसीएम को मत लाना। मेरे पिताजी बोलते थे आरसीएम करूंगा फंक्शन में नहीं आऊंगा। और दोस्तों समझना ही पड़ेगा, मैं आगे बढ़ता हूं कि बड़े गरीब परिवार से मैं रहा, मेरे दादाजी हमारे पास न खेत थे न खलियान थे न जमीन थी न जायदाद था, कुछ भी नहीं था, प्रॉपर्टी के नाम पर हम जीरो थे। मेरे जिंदगी में मेरे दादाजी ने लेथ मशीन पे मजदूरी करके जिंदगी निकाली, 10x10 के कमरे में मेरा परिवार किराए पे रहा करता था। खाने तक का पैसा नहीं था, कभी कभी तो मेरे दादा मेरे पापा और मेरे भाई पापा के भाई बहन पेट के ऊपर कपड़ा बांध के सोते थे, वक्त की दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। इवन मेरे घर का जो चूल्हा, चूल्हा जानते क्या बोलते हैं, मेरे घर का चूल्हा पता कब जलता था, जब मेरे पिताजी अपने 5 साल की 6 साल की उम्र में सड़क पे गाय गोबर कर देती है, उस गोबर के को इकट्ठा करके लाते थे और उसको मेरे घर में सुखाया जाता था और उसी गोबर से मेरे घर में रोटी बनती थी। ये मेरे दादा दादी की जिंदगी रही है। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी खरीदने तक का पैसा हमारे पास नहीं था। 10x10 के कमरे में मेरा परिवार रहा करता था, 5 भाई बहन और मेरे दादा दादी, कितने जनों का परिवार हो गया, 7 जनों का। और मेरी बुआ और मेरे पिताजी ने जिंदगी के अंदर कई रातें बैठकर सोई हैं, उस कमरे में सोने की जगह नहीं होती थी तो मेरे नंबर आता था कि आज मेरी बुआ सोएगी, फिर मेरे पापा सोएंगे, फिर मेरी छोटी बुआ सोएगी, मेरे चाचा सोएंगे, ऐसे आधे लोग तो बैठ के दीवार के सामने सोते थे, उसी कमरे में खाते थे, उसी में बनाते थे और उसी में रहते थे। अक्सर मेरे पिताजी को मेरे दादाजी बोलते थे कि बेटा मैं तेरे को पढ़ा नहीं सकता, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे तू, मेरी औकात नहीं है, मैं 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहा हूं, तुम 7-5 बच्चों का पेट कैसे पालूंगा, मेरी आत्मा जानती है तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, पढ़ाई छोड़ दे तू, और एक काम कर साइकिल की दुकान पर जाके टायर खोल बेटा, जो 2 पैसा घर में आएगा तो अपने बच्चों का पेट भरेगा। तो मेरे पापा बोलते थे कि मेरे दादाजी को कि मैं पढ़ाई करूंगा, मुझे पढ़ाई कर दे, तो मेरे दादाजी ने कभी रोका नहीं, मेरे दादाजी ने बोला ठीक है पढ़ेगा, अगर तेरी इच्छा तो पढ़ेगा, पढ़ाई करते थे। और मुझे आज भी याद है कि मेरे पिताजी ने 6-7 साल की उम्र में एक बच्चा जब खिलौनों से खेलता है, एक बच्चा जब खिलौन प्रॉब्लम क्यों हो रही है भाई, इधर सीटी क्यों मार रही है, हेलो फोन है थोड़ा सा, फोन से किससे हो रहा है, 5-7 साल का बोल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले अपनी बात शुरू करने से पहले आपको ये तो पूछ लो, बोल तो नहीं आपको सीरियस मेरी बात समझ में तो आ रही है ना, राइट सर आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेरे फादर 5-7 साल की उम्र के अंदर जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं तो मेरे फादर कचोरी बेचते थे सरकारी दफ्तरों में जाके, मेरे पिताजी ने 5-6 साल की उम्र में कचोरी बेचना चालू कर दिया था और कचोरी बेच बेच के मेरे फादर ने अपनी पार्ट टाइम की पढ़ाई पूरी करी, अपनी एजुकेशन कंप्लीट। और मुझे आज भी याद है कि जब कॉलेज में पहली बार कदम रखा, कॉलेज के अंदर फर्स्ट टाइम कदम रखा मेरे फादर ने, तो कचोरी बेच बेच के उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, और कॉलेज में आने के बाद जिंदगी में पैंट और शर्ट क्या होती है कॉलेज में आके पहना, उनके पास पैंट शर्ट पहनने तक का पैसा नहीं था, एक ही ड्रेस खरीदी उसी को पहनते थे, उसी को धोके सुखा देते थे, और नीचे धोती पहन के ऊपर बनियान पहन के साइड में गमछा रख के कॉलेज के दिनों में वो कचोरी की दुकान पर जाते थे, कचोरी पकड़ाते थे। मेरे फादर की स्टोरी होता हूं, कचोरी बेच बेच के मेरे फादर ने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, पार्ट टाइम जब कचोरी बेचा करते थे तो लोग उनको धुतकारते थे, ओ इधर कपड़ा मार, कपड़ा ढंग से कपड़ा नहीं मारा, मेरे पिताजी कपड़ा मारते थे, जी साहब कचोरी ले गया, जी साहब अरे थोड़ी चटनी ना चटनी, जी साहब टेबल साफ कर, जी साहब कचोरी बेचते थे, ट्रिकलेंस को उठते थे, कपड़े पहनते थे, कॉलेज चले जाते थे, 3 साल कॉलेज के ऐसे निकाले। और जब कंप्लीट कॉलेज करी तो मेरे फादर जब कॉलेज से बाहर आए ना तो सीधे मेरे फादर राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए, इक्वल टू IAS ऑफिसर।
एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी कचोरी बेच के, गाय का गोबर उठा के, आज वो आदमी अपनी जिंदगी में संघर्ष करते 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 जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने कभी राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए, एक महीने की सैलरी सन 2000 में 25,000 रुपया महीना, कितने महीने की सैलरी, एक महीने की सैलरी 25,000 रुपी इन ए मंथ सन 2000। कम होती है क्या? सरकारी गाड़ी मिल गई एक्स्ट्रा, सरकारी बंगला मिल गया, शानदार ऑफिस मिल गया, ऑफिस के अंदर कंप्यूटर एसी लगे हुए थे उस समय, चपड़ासी मिल गया, सरकारी गाड़ी लाती थी सरकारी गाड़ी छोड़ती थी, जिंदगी पूरी बदल गई। एक कचोरी बेचने वाला है आज एक ऑफिसर बन गया, किसी के सामने जाके हाथ मिलाने की नौबत नहीं थी। लेकिन मेरे फादर अक्सर ऑफिस से आते थे ना, तो आप लोगों में से कई लोग जब अपने काम से आते हो तो अपनी बीवी के साथ राजनीति में चर्चा करते होंगे या टीवी देखते होंगे, राइट सर? मेरे फादर जब ऑफिस से आते थे तो वो अपनी राजनीति या फालतू की टीवी पर बातें नहीं करते थे, वो सोचा करते थे। और मेरी मदर अक्सर पूछा करती थी मेरे पापा से, समझ रहे ना मेरी बात? मेरी मदर अक्सर मेरे पापा से पूछा करती थी कि आप सोचते क्या रहते हो, तो मेरे फादर बोला करते थे कि इससे भी बड़ा कमाया। क्या बोले वो? तो मेरी मम्मी ने उसे एक दिन बोला 25,000 रुपया सैलरी मिलती, इससे बड़ा क्या होता है? तो मेरे फादर का रिप्लाई जो आया था वो बड़ा खतरनाक था, जो आज तक मेरे सीने के अंदर तीर की तरह चुभा हुआ है। वो मैंने अपने कानों से सुना था। मेरे फादर ने मेरी मम्मी को कहा था, अगर ये ओपी शर्मा कचोरी बेच के 25,000 रुपया महीना कमा सकता है, तो ये ओपी शर्मा 25,000 से 25,00,000 भी कमा सकता है। ये क्या बोले वो? कि अगर मैं 25,000 कमा सकता हूं कचोरी बेचने के बाद, तो मैं 25,00,000 भी कमा सकता हूं। यहां पे रिपीट कर देता हूं, सेटिस्फाई नहीं हुए और हम लोग क्या हो जाते हैं थोड़ा सा मैं टेक्निकल आ गया, 50,000 का चेक मोड नॉर्मल कर देते, मीटिंगें कम कर देते हैं, लोगों से मिलना कम कर देते हैं, 50,000 होना बहुत है। आपको पता है आज तक रवि शर्मा ने अपनी इनकम क्यों नहीं बताई? आज बताता हूं आपको कारण। रवि शर्मा ने आज तक अपनी इनकम इसलिए नहीं बताई क्योंकि रवि शर्मा अपनी इनकम से सेटिस्फाई है ही नहीं। अभी जो चाहिए मेरे को आए ही नहीं है, जिस दिन जो मेरे को चाहिए वो आएगा उस दिन बताऊंगा, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं, मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूं। जब यहां पर बैठे कई लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, सेटिस्फाई होना खत्म नहीं है, सेटिस्फाई नहीं होना भाई। तो मेरे फादर को मौका नहीं मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी को ऐसी थी नहीं कि वो 25,000 रुपया महीना कमाए, सॉरी बिजनेस को करें, क्योंकि एक नौकरी पेशा आदमी आप जानते हैं व्यापार कर नहीं सकता, राइट सर? समझ नहीं आ रहा था कारण क्या करें। तभी अगस्त के महीने में एक आदमी बिजनेस मेरे फादर के पास लेकर आया, सन 2000 की बात बता रहा हूं, कौन सी ईयर की। उस आदमी ने आकर बोला कि शर्मा साहब कपड़ा पहनने से पैसा आता है। क्या बोला उसने? तो मेरे फादर ने बोला बता भाई कैसे आता है। वो मार्केटिंग प्लान जो आज आप लोग देखते हैं या आप लोगों को बताया जाता है, वो मार्केटिंग प्लान सन 2000 में मेरे फादर को बताया, अगस्त में, कौन से महीने में, उसने बोला कि सर शर्मा साहब कपड़ा पहनने से पैसा आता है। मेरे फादर का प्लान देखा, प्लान देखने के बाद उसको बुलाया कि तू 5 दिन बाद आ जा। 5 दिन बाद वो आदमी मेरे घर पे आता है कपड़ों का किट लेके, किसका किट लेके, कपड़ों का किट लेके, और 5 दिन बाद मेरे फादर इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। 15 अगस्त सन 2000 को बिजनेस मेरे फादर ज्वाइन कर लेते हैं, और मुझे आज भी याद है इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद मेरे पास फोन आया, रवि क्या कर रहा है? मैंने कहा पापा पढ़ाई कर रहा हूं, कि तेरी साइकिल उठा कार्गो में जा, कपड़े की गांठ फिलोड़ा से आई हुई है, उस गांठ को रिक्शे में रख और घर पे लेके आ। मैं जो आज आपके सामने खड़ा हूं 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर साइकिल उठाता था, पेडल मारते 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 कार्गो में जाता था, उस कपड़े की गांठ को रिक्शे में रखता था और अपने घर लेके आता था। और मैं और मेरी बहनें और मेरी मदर जमीन पर बैठ के वो 5 पैंटे पैक किया करते थे, सन 2000 अगस्त के बाद की बात बता रहा हूं। प्रोडक्ट के नाम पर सिर्फ एक ही चीज हुआ करती थी और वो थी सिर्फ पैंट पीस। क्या थे? पैंट पीस।
उस टाइम पे पीयूसी नहीं हुआ करते थे, उस टाइम आरटी सिस्टम चला करता था। वो 25 किट मेरे घर में आए, मेरे फादर ने उन किट को उठाया, पड़ोसी को जाकर बोला आरसीएम कर लो, तो पड़ोसी बोला शर्मा जी नौकरी चली गई क्या? दूसरे पड़ोसी को बोला आरसीएम कर लो, दूसरा पड़ोसी बोला थैला खरीद लो। पूरी कॉलोनी में जितने लोग थे सबको मेरे पिता ने आरसीएम बता दिया। और सबसे अच्छी बात पता क्या हुई, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, एक भी ज्वाइनिंग नहीं। और मेरे फादर पागल बिजनेस के पीछे, भयंकर पागल। उस समय न कंपनी थी, न कंपनी का बैकग्राउंड था, ना प्रोडक्ट थे और ना एग्जाम्पल थे। आज कंपनी है, कंपनी का बैकग्राउंड है, प्रोडक्ट है और एग्जाम्पल भी है, तो भी समझ में नहीं आता, कमाल हो गया। एक पेंट का पीस दिखा दिखा के, एक पेंट का पीस दिखा दिखा के मेरे फादर ने एक साल बाद चेक कर लिया था 1,27,000 रुपए का। इससे एक पेंट पीस से आज आपके हाथ में 5 प्रोडक्ट तो होंगे, नहीं मैं तो 5 ही पकड़ रहा हूं। जब एक ओपी शर्मा एक पेंट के पीस से 1,00,000 का चेक बना सकता है तो आप क्या नहीं कर सकते भाई? Yes! कितने चाहिए, कितने लोग चाहते हैं कि रवि शर्मा बनना चाहते हैं, कितने लोग? वाह वाह, रवि शर्मा बनने से पहले ओपी शर्मा बनना पड़ेगा, वो कितने लोग बनना चाहते हैं? मेरे फादर ने 1 साल के अंदर 2,00,000 किलोमीटर गाड़ी अपने हाथ से ड्राइव करके तोड़ दी। कितनी? 2,00,000। अपने हाथ से ड्राइव करके कार तोड़ दी इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एक आदमी जो भैंस के हाथ एसी केबिन में बैठा करता था, वो भैंसों के तबेले में सोने लग गया। शुरू के 2 महीने कुछ नहीं हुआ, एक दिन हम लोगों ने प्लान बनाया, मैंने और मेरी मदर ने, आज तो पिताजी का आरसीएम छुड़ा देंगे, कसम खाई हम लोगों ने, आज आरसीएम छुड़ा देंगे। पिताजी शाम को आए, मैं और मेरी मदर दोनों पापा में चढ़ गए, बंद करो इस काम को, पूरी कॉलोनी में बेइज्जती, लोग बोलते हो जा रहे आरसीएम में करोड़पति। हमारा नाम रख दिया गया आरसीएम 1, 2, 3, 4, 5। रिश्तेदार पता क्या बोलते थे, अगर आरसीएम करो तो हमारे घर मत आना, हमारे फंक्शन में मत आना, और हमारे फंक्शन में आओ तो आरसीएम को मत लाना। और मेरे पिताजी बोलते थे आरसीएम करूंगा, फंक्शन में नहीं आऊंगा। है वो चश्मा? Yes! है वो आग? Yes! सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। Yes! जगाना पड़ता अंदर के राक्षस को, भूख जगानी पड़ती है सफलता की भूख। ओपी शर्मा रुका नहीं, थका नहीं, लोगों ने मना किया, और मेरे पापा उल्टे दिमाग के आदमी, जब जब लोग मना करते थे उनके एनर्जी का लेवल और बढ़ जाता था। मजा आ गया, इसने मना कर दिया, अगले बंदे को फाड़ दूंगा। अरे यार ये क्या तरीका काम करने का, अगला मना करता मजा आ गया, अब तीसरे के पास होगा तू भी मना कर, कब तक मना करोगे? और आश्चर्य की बात, मैं उनसे पूछता था मना करता था आपको एनर्जी आ जाती? हाँ, ये जब मना करता तो एक नया क्वेश्चन देकर जाता है, एक नया सवाल देकर जाता है कि आरसीएम क्यों नहीं करें, क्या कारण है, फिर उन सवालों के उत्तर ढूंढता हूं। किसने जो सवाल किया इसका उत्तर क्या है, और जब उत्तर मुझे मिल जाता है तो मेरे पिता को जितना मना करते थे उनको और मजा आता था। 2,000 लोगों ने मेरे पिता को मना करके आरसीएम नहीं करेंगे, और 2,000 सवालों के उत्तर मेरे पिताजी को मिल गए। उसके बाद कभी पलट के नहीं देखा उन्होंने पीछे, जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। याद रखो, अगर कोई मना कर रहा है तो आप भी सीख के जाए। हेलो, समझ में आ रही है मेरी बात? बोर तो नहीं हो रहे? जिंदगी बदली, लोगों ने मना किया, नाम बदल दिया, रिश्तेदारी तोड़ दी, कॉलोनी बदनामी हो गई। एक दिन गुस्से में आके हमने भी बोल दिया या तो हम या आरसीएम। तो मेरे पिताजी ने मेरी मम्मी को और मेरे को बिठा के एक बात बोली, सन 2001 के आसपास की बात बता रहा हूँ, महीना मुझे याद नहीं है, 2001-2002 के आसपास की बात रही होगी ये शायद। मेरी मदर ने मेरे को बोला, मेरे फादर ने मेरे को और मेरी मदर को बोला कि आरसीएम बिजनेस क्यों कर रहा हूँ आज बताता हूँ तुम्हारे को।
उन्होंने हमें उस समय बोला था कि आरसी बिजनेस में मेरे लिए नहीं कर रहा, सरकार मुझे 25,000 रुपया सैलरी देती, मेरी जिंदगी तो निकल जाएगी, कट जाएगी, मरूंगा तो सैलरी 1,00,000 रुपए से ऊपर होगी, मैं तो मेरी जिंदगी निकाल दूंगा। ये आरसी बिजनेस में इसलिए कर रहा हूँ कि एक बात का आंसर दो मुझे तुम दोनों, मेरी और मेरी मदर से कहा कि कल को जब ये रवि मेरे लिए बोले, जब ये लड़का 25 साल का हो जाएगा, जब ये नौकरी के लिए हाथ पैर मारेगा और इसको जब काम धंधा नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा। तो मेरी मदर बोली, कुछ नहीं बिजनेस कर लेंगे, बिजनेस के लिए पैसा है तेरे पास कि नहीं है, तो फिर ये भविष्य में क्या करेगा, और अगर इसको काम धंधा नहीं मिला तो ये लड़का बिगड़ जाएगा, दूसरे हाथों में चला जाएगा, कल को ये कुछ गलत काम करने लग गया तो तू और मैं क्या करेंगे। ये आरसी बिजनेस में मेरे लिए नहीं कर रहा, मैं इस बिजनेस के पीछे इसलिए पागल हूं कि अगर आज मैंने इस बिजनेस की रॉयल्टी और टेक्निकल निकाल दिया दुख देख के, तो कल को मेरे बच्चे की जिंदगी बन जाएगी, इसको किसी के सामने जाकर बात नहीं करनी है। हमें मजाक लगा, जहां पे बैठे बहुत से लोगों को भी मजाक लगा होगा, हंसते हैं आदमी मेरी बातें सुन के, कल भी है इतनी बुरी बुरी फेंक रहे हो, फेंक नहीं रहा बेटा, मेरे को हाथ लगे देख लेना, पता लग जाएगा, चटका मारूंगा, खतरनाक वाला मार के गिरेगा पीछे। yes! समझ नहीं आई। हमने पूछा, पापा सपने क्या देखते हो, फालतू की बातें, बोले बेटा रुक जा, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि उस समय उन्होंने जो बातें डायरी में लिखी थी वो सब बातें आज हो रही है। yes! उन्होंने डायरी में लिखा था एक दिन प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकेंगे, yes! एक दिन ज्वाइनिंग ऑनलाइन होगी, एक दिन कंपनी के पास वो सारे सामान होंगे, और ये लाइन उन्हीं की थी कि नहाएगा कोई और पैसा आएगा रवि तेरे को, कपड़े कोई और धोएगा पैसा आएगा तेरे। ये सब बातें जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग जानते नहीं थे, सन 2000 और 2001 के बीच में उन्होंने अपनी डायरी में लिख दी, और वो डायरी आज भी मेरे पास है। उस डायरी में जिन जिन लोगों से वो मिले उन सबके नंबर तक आज तक उस डायरी में लिखे हैं। रुके नहीं, थके नहीं, चलते रहे, कभी जिंदगी में हार नहीं मानी और सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा, फाइट करी तो सच्चाई के लिए करी, लड़े तो सच्चाई के लिए लड़े। जब तक जिंदा रहे संघर्ष करते करते उन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसा बनाया। 2013-23 फरवरी को देहांत हो गया उनका, वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज उस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन एक एम्पायर मेरे लिए छोड़ के चले गए। आज मेरी जिंदगी 180 डिग्री कौन से बदल गई, और मेरी नहीं, जब तक ये सिस्टम रहेगा मेरे आने वाली जनरेशन की।